ओम अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानंजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। वंशाकल्पतरुभ्यः कृपासिन्धुभ्यः एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 15। इस अध्याय का शीर्षक है पुरुषोत्तम योग। पिछले अध्याय में हमने देखा प्रकृति के तीन गुण होते हैं, उस अध्याय का नाम क्या था, गुण त्रय विभाग योग। भगवद गीता के सभी अध्यायों के आखिरी में नाम क्या है, योग, क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता योग शास्त्र है। योग यानी भगवान से कैसे जुड़ें इसकी हमें शिक्षा प्रदान करता है। इस अध्याय में केवल 20 श्लोक हैं, छोटा अध्याय है। जब भगवान ने प्रकृति के तीन गुणों का वर्णन किया और साथ ही साथ यह भी बताया कि प्रकृति के तीनों गुणों से हम कैसे मुक्त हो सकते हैं, कैसे कोई व्यक्ति गुणातीत हो सकता है, तो भगवान ने साधन बताए अव्यभिचारिणी भक्ति, माम चजयो अभिविचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समति तैतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। अब भगवान की भक्ति करनी चाहिए, लेकिन जब तक भगवान का ज्ञान नहीं और भगवान से अपने संबंध का ज्ञान नहीं तो भला कौन भक्ति करेगा। तो इस पुरुषोत्तम योग इस अध्याय में भगवान बताते हैं कि कैसे सभी जीव भगवान के अंश हैं। तो यह विख्यात श्लोक ममई वांसा जीवलोके जीव भूत सनातना इसी अध्याय में भगवान बताएंगे। लेकिन उसके पहले भगवान इस भौतिक जगत की रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए कहते हैं श्री भगवान उवाच ऊर्ध्वमूलं अधःशाखं अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दासि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवे। श्री भगवान उवाच ऊर्ध्वमूलं अधःशाखं अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दासि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवे। ऊर्ध्वमूल अधःशाखा, भगवान इस भौतिक संसार का के तुलना एक ऐसे वृक्ष से करते हैं, ऊर्ध्वमूल, मूल कहते हैं जड़ को, यानी एक ऐसे वृक्ष जिसकी जड़ें ऊपर की ओर हैं। ऐसा कभी वृक्ष होता नहीं, सभी वृक्षों के जड़ें नीचे की ओर होती हैं। पर कहने का आशय है कि यह जो भौतिक संसार है इसकी उत्पत्ति ऊपर से हुई है, ऊर्ध्वमूल अधःशाखा, और शाखाएँ क्या हैं, नीचे की ओर फैली हुई हैं। अश्वत्थम प्राहुर अव्ययम्, अश्वत्थ कहते हैं वट वृक्ष को। कभी कभी यदि आप हिंदी और अंग्रेजी दोनों गीता पढ़ेंगे तो आपको कन्फ्यूज़न होगा, क्योंकि इंग्लिश वाली गीता में लिखा है बनियान ट्री, बनियान ट्री यानी बरगद का पेड़, लेकिन आप हिंदी पढ़ेंगे उसमें लिखा है पीपल का पेड़। तो चूँकि पीपल हो या बरगद हो ये दोनों एक ही जाति के वृक्ष हैं, तो हमें कन्फ्यूज़ नहीं होना। अश्वत्थम का अर्थ होता है बट वृक्ष। तो इसकी तुलना प्राहु कहा गया है अव्ययम्, यह संसार रूपी जो वृक्ष है ये अव्यय है यानी अविनाशी है। हमेशा व्यक्ति कुछ कार्य करता है और उस कार्य के परिणाम स्वरूप उसे एक नए प्रकार के शरीर प्राप्त होते हैं, फिर उस शरीर में कुछ कार्य करता है फिर एक नए शरीर की प्राप्ति होती है, यानी प्रकट और अप्रकट, तो यह क्रम चलता ही रहता है, इसीलिए इसे अव्यय कहा गया। यानी भौतिक संसार भी एक प्रकार से अनादि काल से चला आ रहा है। छंदासी जस्य पर्णानि, छंदासी कहते हैं वेदों के छंद को, मंत्रों को,
विशेष रूप से उन मंत्रों को जो सकाम कर्म के लिए हमें प्रेरित करते हैं, छंदासी यस्य, जिनके पर्णानी यानी पत्ते हैं। तो कल्पना कीजिए एक ऐसे वृक्ष की जिसकी जड़ें ऊपर की ओर हैं, शाखाएं नीचे की ओर हैं, और जो पत्ते हैं वो क्या हैं, वैदिक मंत्र हैं। पत्तों की बड़ी भूमिका होती है वृक्षों में, क्योंकि पत्ते फूड सिंथेसिस करते हैं। यदि किसी वृक्ष में पत्ते ना हों तो वृक्ष अधिक दिन तक जीवित नहीं रहता, सूख जाता है, धीरे धीरे वो मर जाएगा। क्योंकि वृक्ष में जो पत्ते हैं उसमें क्लोरोफिल्स होते हैं, और इस क्लोरोफिल के प्रेजेंस में सूर्य का प्रकाश और नीचे से पानी और वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड, तो जल, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल के प्रेजेंस में सूर्य का प्रकाश, इससे क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है, यानी कि उनका फूड बनता है, और इसी के ऊपर सभी जीव आश्रित हैं। तो उसी प्रकार इसे जो पोषण प्राप्त होता है, इस भौतिक संसार में व्यक्ति का अस्तित्व बना रहता है सकाम कर्मों के कारण। यानी जब तक व्यक्ति कामनाओं से भरकर कार्य करता है तो उस कामनाओं का फल भोगने के लिए उसे नाना प्रकार के शरीर स्वीकार करने पड़ते हैं। छंदास जस्य वर्ण पर्णानि यस्तम सवेद सवेदवित, जो व्यक्ति इस संसार रूपी वट वृक्ष को ठीक ठीक जानता है वही वेदवित यानी वेदों का ज्ञाता है। इसका अनुवाद मेरे पीछे दोहराएं, श्री भगवान ने कहा, कहा जाता है कि एक शाश्वत वट वृक्ष है जिसकी जड़ें ऊपर की ओर हैं और शाखाएं नीचे की ओर हैं, इसकी पत्तियां वेदों के मंत्र हैं, और जो इस संसार रूपी वृक्ष को जानता है वह वेदों को जानने वाला है। तो वेदों का प्रयोजन है भगवान को जानना, और साथ ही साथ वेदों का प्रयोजन है कि इस भौतिक संसार से हम कैसे बाहर निकल सकते हैं। तो कोई व्यक्ति यदि कारागृह में आबद्ध है, जब तक उसे यह पता नहीं चले कि मैं कारागृह में क्यों आया और मैं कारागृह से क्यों बाहर जाऊं, तब तक वो वहाँ पे ही अपने आप को सुखी मानता है, और ऐसा सुख अज्ञानतापूर्ण है। तो इस संसार वृक्ष का कोई अंत नहीं है। तो इसी की चर्चा भगवान अगले श्लोक में करते हैं। अधश्च ऊर्ध्वं प्रसितस्य शाखा गुणा प्रवृद्धा विषया प्रवाला, अधश्च मूल्यान् अनुसंततानि कर्मानुबंधीनि मनुष्यलोके, अधश्च ऊर्ध्वं प्रसितस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषया प्रवाला, अधश्च मूल्यान् अनुसंततानि कर्मानुबंधीनि मनुष्यलोके। तो इस संसार वृक्ष का वर्णन करते हुए भगवान कहते हैं अधश्च ऊर्ध्वम, अध कहते हैं नीचे, ऊर्ध्व यानी ऊपर, प्रसितस्य शाखा, इस संसार रूपी वट वृक्ष की शाखाएं नीचे की ओर और ऊपर की ओर सभी दिशाओं में प्रसिता यानी कि फैली हुई हैं। वट वृक्ष में देखा होगा आपने, एक तो शाखा ऊपर की ओर जाती है और उस शाखा से कुछ कोपले होती हैं, उन कोपलों से एक दूसरा उसे सेकेंडरी रूट कहते हैं, वो फिर ऊपर से नीचे की ओर गिरता है, उसमें बंदर झूलते रहते हैं, और वो जब नीचे मिट्टी में स्पर्श करता है तो फिर एक वहाँ से एक नए शाखा का जन्म होता है, और इस प्रकार क्या है, ये असंख्य जड़ों वाला वृक्ष होता है, अत्यंत ही विशाल वट वृक्ष होता है। कलकत्ता के बोटेनिकल गार्डन में एक ऐसा वृक्ष है, प्रभुपाद जी कहते हैं, जो आज से लगभग 5-6 हज़ार वर्ष पुराना है, और कोई व्यक्ति यह नहीं बता सकता कि इसकी मूल जड़ कौन सी है, यानी सब एक जैसी ही दिखाई देती हैं। तो
अधश्च ऊर्ध्वं प्रसितस्तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषया प्रवाला। गुण प्रवृद्धा प्रकृति के जो तीन गुण हैं सत्व रज और तम, इनके द्वारा व्यक्ति प्रेरित होकर नाना प्रकार के कर्म करता है और इससे पोषण प्राप्त होता है। विषया प्रवाला, विषय कहते हैं इंद्रियों के विषय के रूप रस गंध स्पर्श और शब्द। प्रवाला कहते हैं उस वृक्ष के कोपलों को, बर्ड्स छोटे छोटे, यानी हम कुछ विषय देखते हैं और उस विषय का भोग करना चाहते हैं तो एक नए कोपलें फूट उठती हैं और फिर वहाँ से एक नई जड़ें उत्पन्न होती हैं, फिर वो नीचे आती हैं, फिर हम भोग करते हैं, फिर एक नई शाखा बनती है और इस प्रकार से 84 लाख प्रकार की योनियों में वह शुद्ध आत्मा भ्रमण करती रहती है। अधश्च मूल्या अनुसंततानी कर्मानुबंधीनी मनुष्य लोके, और व्यक्ति अपने कर्मों के बंधन में मनुष्य शरीर में आबद्ध हो जाता है। तो अत्यंत कठिन है इस श्लोक को समझना, फिर भी भगवान की कृपा से गुरु वैष्णव के आशीर्वाद से हम एक दिन इसका साक्षात्कार कर सकते हैं। इसका अनुवाद मेरे पीछे दोहराएं। इस वृक्ष की शाखाएं ऊपर तथा नीचे की ओर फैली हुई हैं और यह वृक्ष तीनों गुणों द्वारा पोषित है। इस वृक्ष की कोपलें इंद्रियों के विषय हैं। इस वृक्ष की जड़ें नीचे की ओर भी विस्तृत है, जिससे मनुष्य कर्मों के बंधन में फंसा हुआ है। तो एक विषय हमने चुने, मैंने इंद्रिय भोग की इच्छा हुई और फिर हम इंद्रिय भोग में लग गए और उसकी आसक्ति बनी रही और एक नए कर्म की सृष्टि होती है, फिर उस कर्म के फल को भोगने के लिए पुनः एक शरीर प्राप्त होता है। जैसे कोपले से एक जड़ निकला, उस जड़ ने भूमि का स्पर्श किया, भूमि का स्पर्श करने से एक नए शाखा का जन्म हुआ, फिर इस शाखा से एक नया वृक्ष बन गया, फिर इससे एक अलग कोपले निकली और इस प्रकार से यह अनंत विस्तार को प्राप्त करता है। कोल्हू के बैल की तरह, कोल्हू का बैल घूमता रहता है, कभी बाहर नहीं निकल पाता, इसलिए कहते हैं संसार चक्र। इस चक्र से बाहर निकलने के लिए हमें गुरु और भगवान की कृपा चाहिए। ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। तो शुद्ध जीवात्मा अपने कर्मों के अधीन कई प्रकार के ब्रह्मांडों में भ्रमण करता है। इससे बाहर निकलना केवल और केवल मनुष्य शरीर में ही संभव है, लेकिन मनुष्य शरीर को भी पाकर व्यक्ति इस अवसर को गंवा देता है। अब साधन बताते हैं भगवान तीसरे श्लोक में कि क्यों इसे संसार रूपी वट वृक्ष के जड़ को काटना चाहिए और कैसे काटना चाहिए। मेरे पीछे दूर आए। न रूपमस्य तथोपलभ्यते नन्तो न चार्दी न च संप्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असंगशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नन्तो न चादीर्न च संप्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असंगशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा। भगवान कहते हैं न रूपमस्यः तथोपलभ्यते, यानी इस प्रकार का वृक्ष इस संसार में दिखाई नहीं देता। ऐसा कोई वृक्ष नहीं होता कि जिसकी जड़ें ऊपर की ओर हैं। सभी वृक्षों के जड़ें नीचे की ओर होती हैं और हमेशा ऊपर जाती भी हैं तो फिर नीचे आती हैं। न अंतो न च आदि, और ऐसे संसार रूपी वृक्ष के जड़ों का न तो आदि है और न ही अंत है। च संप्रतिष्ठा, संप्रतिष्ठा और न ही इसके आधार का किसी को पता है कि कब से हमारी भौतिक संसार में ये बद्ध अवस्था को हम प्राप्त किए हैं।
यानी कब कितने वर्षों से हम यहाँ इस भौतिक संसार में आबद्ध हैं, फंसे हुए हैं, कोई व्यक्ति तिथि निर्धारित नहीं कर सकता। अश्वत्थमेनम सुबिरूढ़ मूलम, और इस अश्वत्थ वृक्ष, इस वट वृक्ष के जो मूल यानी जो जड़ें हैं सुबिरूढ़ अत्यंत ही दृढ़ हैं, इसको काटना अत्यंत कठिन है, दुष्कर है, फिर भी भगवान साधन बताते हैं। असंग शस्त्रेण दृढ़े न छित्वा, दृढ़ वैराग्य के द्वारा, विरक्ति के द्वारा व्यक्ति इस वृक्ष के जड़ों को काट सकता है। यानी भक्ति करने के लिए थोड़ा वैराग्य होना चाहिए। वैराग्य यानी जो भी इस संसार में बांधने वाली चीज़ें हैं, जैसे नाव को यदि हमें एक घाट से दूसरे घाट ले जाना है तो उसको हम बस्सी खोल देते हैं, जो एंकर है उसको हटा देते हैं। तो ये जो एंकर है यही हमारा अटैचमेंट है। तो हमारे जीवन में भी कई प्रकार के एंकर होते हैं, वो हमें भगवान की ओर आगे नहीं बढ़ने देते हैं। तो कहते हैं सबसे बड़ा जो एंकर है हमारा शरीर है, शरीर से आसक्त होते हैं, सोते हैं सुबह उठने से तबीयत खराब हो जाएगी इसलिए अच्छे से सो, हम लहसुन प्याज नहीं खाएंगे हम कमज़ोर हो जाएंगे, हड्डियों में दर्द होगा। कुछ लोग नॉन वेज खाते हैं, उससे तो नॉन वेज नहीं खाएंगे प्रोटीन की कमी हो जाएगी। तो ये जितने प्रकार की हमारी आसक्तियाँ हैं यही है हमारे बंधन का कारण। तो हमें सब छोड़ना चाहिए, हमें काटना चाहिए सब। असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्वा, इस हथियार के द्वारा, इस दृढ़ विरक्ति रूपी शस्त्र के द्वारा हमें इस आसक्ति रूपी वट वृक्ष को कि जड़ों को काटना चाहिए। इसका अनुवाद मेरे पीछे दोहराएं, इस संसार में ऐसे वृक्ष के रूप का अनुभव नहीं किया जा सकता। इस वृक्ष का न तो आदि है न अंत है न कोई आधार है, लेकिन मनुष्य को चाहिए कि ऐसे दृढ़ जड़ वाले वृक्ष के जड़ों को तीव्र विरक्ति के हथियारों से काट गिराए। तो यदि मानो कोई कहे कि ठीक है संसार के हमने आसक्तियाँ तोड़ दी तो आगे क्या प्राप्त होगा, तो भगवान अगले श्लोक में कहते हैं तत पदम तत् पति परिमार्गितव्यम यस्मिन् गतानां निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यता प्रवृत्ति प्रसिता पुराणी तथा पदम तत् परिमार्गितव्यम् यस्मिन् गतानां निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यता प्रवृत्ति प्रसिता पुराणी। भगवान यहाँ सीधे आदेश देते हैं ततः यानी तत्पश्चात, उसके बाद यानी आसक्ति को काटने के बाद पदम, पदम यानी कि परम पद, उस आध्यात्मिक पद को तत् उसे परिमार्गितव्यम खोज करनी चाहिए, अन्वेषण करनी चाहिए कि क्या इस भौतिक जीवन के परे भी कोई अन्य जीवन है जहाँ शाश्वत आनंद हम प्राप्त कर सकते हैं, नित्य जीवन प्राप्त कर सकते हैं। यानी सबको पता है कि कोई व्यक्ति किसी का पिता है, कोई किसी की माँ है। यदि मानो पिता है तो उसका भी कोई पिता है, उसके भी पिता थे। इस प्रकार वो अंत में कहाँ जाएगा, वो ब्रह्मा जी के पास जाएगा, कि ब्रह्मा जी परम पिता हैं, पितामह हैं। फिर ब्रह्मा जी भी कैसे उत्पन्न हुए, तो गर्भोदक साई विष्णु से उत्पन्न हुए। गर्भोदक साई विष्णु के पीछे जाएंगे तो फिर महाविष्णु आएंगे, तो महाविष्णु के भी पीछे जाएंगे तो आखिरी में हमें भगवान का ज्ञान होता है कि भगवान ही इस पूरे संसार के मूल कारण हैं। तो व्यक्ति को चाहिए कि उस मूल कारण, उस जड़ की तलाश करे। परिमार्गितव्यम जस्मिन गता, यानी वहाँ जाने के बाद, उस आध्यात्मिक पद को पाने के बाद, न निवर्तन्ति भूयः,
पुनः उसे इस संसार में वापस नहीं आना होता। जो विख्यात श्लोक है, नदत भास्यते सूर्यो न शशांको न पावक यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धामम परमम मम, आने वाला है। अभी भगवान उसका झलक दे रहे हैं कि उस आध्यात्मिक लोक में एक बार व्यक्ति प्रवेश करता है तो पुनः इस संसार में जो दुखों से भरा हुआ है वापस नहीं आता। तमेव चाद्यम पुरुषम प्रपद्ये, तमेव उसे च अद्यम, उस आदि पुरुष के शरणागत होना चाहिए। प्रपद्ये यानी उनके शरण लेनी चाहिए। जब तक कोई व्यक्ति भगवान की शरण स्वीकार नहीं करता वो भगवान के धाम में नहीं जा सकता, क्योंकि फिर जाएगा, फिर विरोध करेगा, फिर गिर जाएगा नीचे, है ना। तो शरण बहुत आवश्यक है। यतः प्रवृत्ति प्रसिता पुराणी, और उसे ऐसे प्रवृत्त होना चाहिए जो अत्यंत ही प्राचीन काल से जिसका अस्तित्व बना हुआ है। इसका अनुवाद मेरे पीछे दोहराएं, उसके बाद उसे ऐसे परम पद की खोज करनी चाहिए जहाँ जाकर पुनः उसे इस संसार में लौटना न पड़े और उसे आदि पुरुष भगवान की शरण लेनी चाहिए जिनसे अनादि काल से चली आ रही सृष्टि का विस्तार होता आया है। अब भगवान आगे बताएंगे कि ऐसे आध्यात्मिक पद को पाकर व्यक्ति के लक्षण कैसे होते हैं और कौन व्यक्ति उस आध्यात्मिक पद को प्राप्त करने का अधिकारी है, लेकिन इसकी चर्चा हम कल करेंगे। श्रील प्रभुपाद की जय।